तो हेलो गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे आप बड़े इतनी जोर जोर से चिल्ला रहा। तो हेलो गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे आप बड़े होंगे, बड़ों को प्रणाम छोटे को प्यार। तो दोस्तों काफी टाइम बाद फिर से व्लॉगिंग, मतलब कि यार मेरे को बहुत दिन से मेरा है ना, मैं हर ब्लॉग में बोल रहा हूँ कि मेरा बहुत दिन से मन कर रहा है, फिर दूसरे दिन से थोड़ा सा मन नहीं लग रहा है, मगर इस बार कंफर्म है लंबे ब्लॉग आने वाले हैं बहुत सारे। पता है मेरे पेंडिंग ब्लॉग इतने सारे शूट करके रखे हुए हैं, एडिट करने का टाइम नहीं मिला है, एडिट करके उन्हें पोस्ट करना है, आपको इतने सारे इंटरेस्टिंग ब्लॉग्स दिखाने हैं। इसी के साथ दोस्तों आज हो चुकी है, टाइम हो रहा है सुबह के 9:15 बज रही है। तुम्हारा भाई अब जल्दी उठने लग गया है, आज कल उठा था 8 बजे, आज उठा हूं मैं 8:30 बजे। और बस अभी 5 मिनट में नहाएंगे, उन नहाने के बाद चल रहे हैं दुकान, पहले तो चाय पियेंगे। यार मम्मी चाय दो। सो फाइनली दोस्तों हमारी चाय आ चुकी है, बहुत ही लाजवाब, बहुत ही कड़क की बनी है, और इसे कड़क चाय पीने में जो मजा आता ना उसकी बात ही अलग हो जाती है। और उसी के साथ आज हमें मम्मी ने दिए है खुरमे, और ये खुरमे देख के जैसे कि जो हमारे बहुत प्रिय हमारे एकदम करीबी रिश्तेदार है उन्हें पता है ये कौन बना सकता है, ये हमारी नानी माँ ने बनाया है, मतलब हमारी नानी ने बनाया है। मैं भी कुछ दिन पहले किसी काम से इंदौर गया था तो नानी के पास गया था, तो वहां गया नानी को रेंडमली पता नहीं था, जैसे पिछली बार गया था वैसे चुपके से गया, वहां गया तो नानी ने खुरमे निकाले डिब्बे में से और बैग में रख दिया। मैं नानी कुछ भी नहीं लेके जाऊंगा, मैंने निकाल दिया, नानी ने फिर रख दिया, मैंने नानी में नहीं लेके जाऊंगा मना किया ना, फिर मैंने बैग में से निकाल के मैं कहीं बाहर चले गया था। वो आया तो मैंने फिर बैग खोला घर आके तो देखा तो उसमें खुरमे निकले, मतलब नानी ने फिर से खुरमा रख दिए थे। तो यार दोस्तों नानी का जो प्यार है वो तो अल्टीमेट है, और इसी के साथ बहुत ही टेस्टी खुरमे है, मैं जाऊ। इसी के साथ दोस्तों हमारे घर धनिया भी आ चुका है, बहुत ही बढ़िया क्वालिटी। हम सिर्फ कपड़े बेचते, ये मत कमेंट कर देना बाबा 1 किलो इधर 2 किलो इधर, ये हमारा घर के खुद के यूज के लिए है। तो दोस्तों फाइनली तुम्हारा भाई नहाने गया था, नहा के एकदम सुंदर बनकर आ चुका है, और अभी हमने हमारे भगवान के हाथ जोड़े, भगवान के हाथ जोड़ने के साथ अभी हमने एक नया नियम चालू किया, नियम तो नहीं ऐसे बोलेंगे, जब तक हो रहा है जब तक प्रभु चाहेंगे तब तक हम करेंगे। तो अभी हम जा रहे हैं शिवालय जल चढ़ाने के लिए, इसमें बिलपत्री, और मैंने एक ये मेरा नियम है कि जब भी शिव मंदिर जाऊंगा तो 5 प्रकार के फूल होना ही होना। देखो अभी एक तो मम्मी दे रही है, दिखा देता हूँ आपको, ये एक अकाव का है, दूसरा काय का है, कनेर का, कनेर के, हाँ एक सिंदूरी कनेर है जैसे कि आपको दिखा सकता हूँ, सिंदूरी कनेर और एक पीला कनेर, एक वाइट कनेर और एक वाइट कनेर, मतलब 3 प्रकार का तो यही होगा फूल, इनको मैं एक नहीं गिनता, इनको मैं 3 प्रकार गिनता हूँ। अकाओ खिला हुआ दो ना यार, और वो गुलाबी वाला फूल दो ना, ठीक है, और ले ये दूध मोगरा भी मिल गया। 4 प्रकार के फूल तो मिल चुके हैं हमें यहाँ, और ये रहा 5वें प्रकार का फूल, ये सब ये भी तोड़ते हैं, तो हो गए हमारे 5 प्रकार के फूल, और अब हम जा रहे हैं शिवालय, आ गए हैं शिव मंदिर। ये रहे हमारे बहुत प्यारे भोलेनाथ नंदीदेव, छोटा सा है प्यारा सा मंदिर है, तो यहाँ भी जल चढ़ाते हैं फूल चढ़ाते हैं। दोस्तों यहाँ हमारे दर्शन हो चुके हैं और अब हम चल रहे हैं घर। यहाँ आओ ना तो एक जो आनंद मिलता है, दिल को सुकून मिलता है, वो बहुत ही बढ़िया मिलता है। आपके भी घर के आसपास कई मंदिर हो तो आप जरूर जाए, नियम बनाए, बहुत अच्छा लगता है। नियम नहीं तो हफ्ते में एक बार, महीने में एक बार, कभी भी आप जाने की कोशिश करें, एकदम दिल को सुकून मिलता है। तो अभी अपन चल रहे घर, घर पे देखते हैं क्या नाश्ता खाना पानी बना है। तो अब हम आ गए हैं घर, के भगवान ने सब मिलाए आपको, तो हमारे सब भगवान को वहां तो दर्शन कर लिए, यहाँ पे भी कर लिए थे, एक बार आपको दर्शन करवाते हैं। उसी के साथ मम्मी हमको लग रही है चोर की भूख, खाना एकदम रेडी हो चुका है कि बन रहा है? बन गया, बन गया। क्या बना लिया? आय हाय आ है रूपल दीदी, देख रहे हम क्या खा रहे हैं, ये हमारी बहन की फेवरेट है, मगर सुरु की कड़ी, मतलब सुरजना की कड़ी आपके इधर क्या बोलते हैं इसको, ये दिखाता हूँ आपको, जैसे आप कुछ एमपी से देख रहे होंगे तो आप लोग को तो पता है इसे सुरजना या सुरु बोलते हैं, मगर आपके इधर क्या बोलते हैं तो याद से बता, हमारे छत्तीसगढ़ वाले दोस्तों भी देखते हैं अतुल सनी, तो बताना दोस्तों तुम्हारे इधर इसको क्या बोलते हैं। इसी के साथ आप खाने की तैयारी, तो प्लेट लगाते हैं, बड़ी तेज लग रही है, पापी पेट है तो इसे भरने के लिए कुछ ना कुछ तो लगेगा, तो चलिए खाना खाते हैं और मम्मी से हमारी मिलाते हैं आपको। मम्मी गुड मॉर्निंग, पापी पेट है अंधा हुआ। दोस्तों मम्मी मारती नहीं हमारी। पापी पेट सही है ना, पापी पेट है अंधा हुआ है, इसमें जितना डालो उतना कम है,
नहीं मेरा को ना 5 रोटी के बाद हो जाता है। नहीं कितने मम्मी आज बता दो सबको मैं कितना खाना खाता हूँ। 3 रोटी खाता हूँ और सलाद। सलाद इम्पोर्टेंट है ब्रो। 3 रोटी थोड़ा सा सलाद में। अरे मैंने एक बार तुमको बता दो दीपक क्यों गया। नहीं हम टिफिन लेके जाते थे कॉलेज के टाइम में तो दीपक क्या गया। हम टिफिन लेके गए तो दीपक ने बोला मैं दीपक आज टिफिन एक्सचेंज कर लेता हूँ क्योंकि उसकी मम्मी क्या सब्जी बनाती है। असल में उसके यहाँ चूल्हे पे सब्जी बनती है तो चूल्हे की सब्जी का जो स्वाद रहता है ना वो ये सब्जियों में नहीं आता है। तो खाई तो मैं ठीक है भाई। उसने बोल दिया उसको लगा हो कि मैं तो भर के लाऊंगा अपनी हालत देख के मगर अपन ऐसे ही नहीं। तो वो हमारे यहाँ की एक रोटी ले लो भाई 3 ही रोटी लाया। हाँ भाई और क्या सिर्फ वो 5 रोटी लाया था सिर्फ वो 5 उसके लिए सिर्फ वो 5 थी वो। और ये बड़ी बड़ी रोटी मतलब मेरा हाथ छोटा पड़ जाएगा इससे बड़ी और मोटी रोटी। तो मेरा तो उसकी 1.5 रोटी में पेट भर गया। और उसने मेरे हाथ की रोटी कैसे गई मम्मी पता आपके हाथ की रोटी कैसे गई। उसने एक रोटी को 2 खुद से में किया और एक हिस्सा सब्जी लगा कर खा गया। मतलब भाई ये तो हमारे यहाँ का एक कोल है मतलब हमारी एक रोटी से 2 कोल के बराबर थी। तो ऐसा होता है दोस्तों अपनी डाइट बहुत कम है बस ये मोटापे का इलाज कुछ नहीं हो पा रहा है। क्या करें आप बताएं। सोच रहा हूँ स्विमिंग चालू करूं तो देखते हैं अब क्या होता है। जो प्रभु चाहेंगे वो करेंगे। तो फाइनली थाली लग चुकी है अब खाना खाते हैं। खाना हो चुका है बहुत ही स्वादिष्ट बहुत ही लाजवाब। और लास्ट में तो भैया मम्मी का कल बचा था लपेटा मतलब कि दाल चावल बचा तो माँ ने क्या लपेटा बना के खिलाया है तो वो भी बहुत जोरदार था। इसी के साथ अपन अब चल रहे हैं शॉप। दोस्तों आ गया था मैं शॉप पे और यार शॉप पे इतनी सी दूरी से आया हूँ और गर्मी क्या हो रही है यार गर्मी काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। मुझे लग रहा है मुझको बस आते से ही कूलर स्टार्ट करना ही पड़ेगा। तो अभी कूलर भी स्टार्ट करते पहले झाड़ू वगैरह दे हमारे प्रभु लीजेंड की पूजा करें उसके बाद देखते हैं क्या होता है। आज दिन भर बहुत ही शानदार जाने वाला है हमारा। बहुत दिनों बाद मूड में आया हूँ मैं व्लॉग के तो बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है बहुत ही ज्यादा खुशी हो रही है। आज तो आप लोग को एक नंबर वाला व्लॉग मिलने वाला है यानी आज यानी कि आप मेरे लिए आज आपके लिए कल। तो कल आप लोग बहुत शानदार शिवेश एकदम अपने पुराने अवतार में देखेंगे क्योंकि काफी टाइम से बहुत लो फेस में चल रहा था मैं मगर आज वापस हाई में आया हूँ तो काफी मजे करने वाले हैं अपन। और आज तो दोस्तों आज बहुत सारे वीडियोस बनने वाली है जैसे कि आपने हमारी एक वीडियो कल वाली देखी कि नहीं। मैं शॉर्ट्स अपलोड जरूर कर रहा था व्लॉग्स नहीं आ रहे थे मगर शॉर्ट्स जरूर आ रहे थे। तो डेरी वाला जिसका पेट नहीं वो सेट नहीं वो वाला वीडियो देखा होगा ना। तो देखा है तो उसे लाइक करना यार और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। दोस्तों यार काफी टाइम हो गया है सब्सक्राइबर थोड़े से रुके हुए हैं और वीडियोस आप लोग देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करो यार प्लीज रिक्वेस्ट हम्बल रिक्वेस्ट है। आज वीडियोस बनेंगे वेबसाइट पे भी बहुत कुछ काम करना है तो अब मैं आपसे मिलता हूँ थोड़ी देर से। तो दोस्तों काफी ज्यादा गर्मी पड़ चुकी है तो अभी जा रहा हूँ मैं घर। बज रही है एक बजे तक में इतनी ज्यादा गर्मी मतलब गर्मी तो जब से लग रही थी तो अभी हमको करना पड़ गया है कूलर स्टार्ट। तो अभी इसी के साथ दोस्तों मैं जा रहा हूँ घर। तीनों बॉटलें हमारी लेके इसे रखेंगे फ्रिज में होगी ठंडी फिर पियेंगे ठंडा पानी। कौन सा पानी चिल्ड क्या बियर नहीं सिर्फ चिल्ड वाटर। तो चलो घर चलते। देख रहे हो धूप कैसी पड़ रही है इतनी जोरदार धूप है विश्वास नहीं है। तो कल मतलब कि व्लॉग जब डल जाएगा आप एक बार बाहर निकल के देख लेना। तो फाइनली सब बॉटलें भर दी है और हमने हमारी पानी की बॉटल ले ली है। हाँ ये हमारी पानी की बॉटल है मैं बनी आऊं हमारे फ्रिज में फ्रिज की बॉटल से ज्यादा ये ऐसी ये कमर्शियल वाली बॉटल्स मिलेगी इसका ऐड नहीं कर रहे अपन मगर हाँ हम है ना वेस्ट नहीं करते हम प्लास्टिक को है ना एकदम मतलब कि यार दोस्तों मेरी हिम्मत नहीं होती फेंकने की सही बात तो यही है। तो चलो वापस दुकान चलते हैं फिर वहां पे कूलर में बैठ के करेंगे थोड़ा वेबसाइट वाला काम जैसे कि मैंने आपको बताया ही था हमारे बहुत सारा प्रोडक्ट मतलब माल बम मात्रा में आया है तो उसे पोस्ट करेंगे जल्दी। गणगौर चल रही है तो बताते हैं आपको बहुत बहुत एक से एक वैरायटी उनके वीडियोस डालते हैं जल्दी। तो चलिए आप थोड़े से वीडियोस बनाते हैं और आपको जल्द से जल्द दिखाते हैं। थोड़ा सा रॉ मटेरियल डालूंगा आपके भाई का गेटअप एकदम चेंज हो जाएगा तो ये देखो। दोस्तों हम थोड़ी देर बैठे थे कस्टमर वस्टमर निपटा तो हमारे यहाँ हमारे बहुत ही प्यारे मित्र आए हुए हैं हर्षल अवार्ड। ओ लुगाई हटाना ये
ये देखा लुगाई बोलते तो पूरा फट्टे से हटा लिया। कैसा आना होगा तेरा? तेरे से मिलने मेरा छोटा सिंचन क्या कर रहा है? साले झूठे, पानी पीने आया था। पानी पी लिया? पानी चल जा रहे। अरे बेग समोसा तो खिला दे। तो दोस्तों वीडियो बन चुके हैं, बहुत सारे कस्टमर निपटा लिए। शाम को 6:31 यानी कि 6:30 बज चुकी है। 6:31 को हम 6:30 बोलेंगे यार, समझ रहे हो ना। और इसी के साथ अब आया है मम्मी का कॉल कि फटाफट घर आ जा, चाय ले ले। तो अभी जा रहे हैं घर, जाके लेते हैं चाय। और मम्मी को बोलता है मम्मी बड़ा वाला कप फुल भरना, क्योंकि आज काफी ज्यादा तुम्हारा भाई टायर्ड हो गया। आज बहुत सारा कैमरे के सामने इतना सारा काम करके, ओ माय गॉड सीरियसली। अरे अरे ऐसा नहीं है दोस्तों, थक जाता है यार तुम्हारा भाई। तो चलो अब चलते हैं चाय लेने के लिए फटाफट। तो चाय लेने जा रहे थे तो हमें यहाँ पे कौन मिला? हमारा भाई मिला है बिट्टू। और ये हमको इस हालत में मिला है, देखो किस हालत में। तो मैंने सोचा भाई ये लट्टे लेके तुम जा खा रहे हो, किसको मारने जा रहे हो? तो बोल रहा भाई मैंने ना दो बकरी पाली है, उन्हें चराने जा रहा हूँ, मारना मत। कैसे बकरी तो चल बस, अंडे वंडे देती कि नहीं? नहीं मुर्गा। अरे मुर्गा ही देते। तो दोस्त सभी मिल लिए जैसे कि हमें मिल गया। तो और हम घर में भी आ चुके हैं और हमारी मम्मी ने चाय कहाँ रखी है? यहाँ रखी है। मम्मी काफी दिनों बाद व्लॉगिंग अपन ने स्टार्ट करी, आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। सच में? सही है। कि करना था कि नहीं? करना चाहिए, कुछ तो कुछ करते रहो, फोकट नहीं बैठना। आपको कैसा लग रहा? बैठे बैठे क्या करे, करना है कुछ काम। व्लॉगिंग करो, यही है सबसे बड़ा काम। व्लॉगिंग करो भैया, यही है सबसे बड़ा काम। इसी के साथ दोस्तों हमारी चाय है ये। तो अभी हम चाय लेके जा रहे हैं वापस हमारी शॉप। दोस्तों यार ये जो चाय होती ना, इतनी इम्पोर्टेंट, इतनी लाइफ के लिए इतनी ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है। मतलब जीवन में जितने दुख दर्द है इसको पी लो सब खत्म। ये देखो हमें व्लॉगिंग करते हुए देख रहे और हंस भी रहे। अच्छा देखो ये छोटा सा बच्चा है, ये राजा भी है, छोटे राजा। तो वो भी बोल रहे व्लॉग में आने का। शॉप में आने के बाद दोस्तों इतना बढ़िया लगता है। क्यों बढ़िया लगता है? क्योंकि यहाँ चलते रह रहा है कूलर, वो क्या चिल्ड हवा, इतनी ठंडी हवा की ऐसा एसी की जरूरत नहीं है यहाँ पे। और इसका जो कूलर है ना, हमारा कूलर थोड़ा सा अच्छा वाला है, तो हम इसको स्लो पे भी चलाते ना तो आवाज भी कम करता है और ठंडा भी बहुत करता है। तो आप लोग को भी इसका एक्सपीरियंस लेना है तो बिल्कुल हमारी शॉप पे आइए, कुछ खरीद के जाइए। नहीं रे दोस्तों तुम ऐसे ही आओ यार, तुम्हारा तो ऐसे ही वेलकम है यार। बंसाली क्यों तुम्हारे लिए।